हाँ जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम आए हैं अपने पड़ोस में ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, और इन्होंने तो मास्क लगा के रखा हुआ है। अभी हेलो बोल दो हेलो। ये उतना ही बोलेंगे जितना मैं बोल रहा हूँ, उससे आगे नहीं बोलते। तो हम आए थे यहाँ पे, एक्चुअली गाय देखने आए थे हम, क्योंकि आपको पता है जैसे मैं कौशर तैयार होने को हमारा बस तकरीबन 1 महीने में, शायद 1.5 महीने में, तो हमें पता लगा कि इनके पास गाय है, तो मैं देखने आई थी। और यहाँ पे हम, मेरे को बहुत कुछ चीजें मिल गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आए तो आपको दिखाती भी चलूं। काफी अच्छी चीजें इनके, जो सबसे मुझे जो खास, आप पीछे भी देख सकते हैं, देखो फ्लावर हर जगह पे, आंगन पे हर जगह पे, और खेतों को भी दिखाऊंगी, गाय भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छे पशु हैं। पशुओं को बांधने का जो अरेंजमेंट इनका बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया। कुछ तो मैं भी करूंगी इनका, जो है कि मैं ऐसा ही करूंगी, मैं सोच के रखा मैंने, देखा मैंने। तो अभी मैं आपको यहाँ पे उनसे भी मिलाऊंगी, जो जिनके पास हम आए थे गाय देखने, उनसे भी मिलाऊंगी। और एक और भैया यहाँ पे आए हुए हैं, वो ऐसे ही बैठे थे, बातचीत में पता लगा कि वो तो बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने टीवी में भी काम, न्यूज़ चैनल में काम किया है। तो आगे आगे काफी नॉलेज मिलती है, और नॉलेज लेनी भी चाहिए हमें, जहाँ भी कहीं हम जाते हैं तो नॉलेज वाली बातें तो सीखनी चाहिए। तो चलो मैं अभी आपको, कविता हास्य कवि है एक किस्म से, फिर मैं आपको इनके बारे में बाद में भी बताऊंगी, इनका भी एक चैनल है। पहले आप इनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा लेती हूँ कि ये कौन है, कहाँ से हैं, और फिर आपको एक कविता भी सुनाएंगे। बहुत अच्छी मुझे सुनाई इन्होंने, मैंने सोचा क्यों ना हम अपने चैनल के लिए इसको आप लोगों तक भी पहुंचाए, है ना। तो चलो अब मैं आपको बैक कैमरे से इनसे मिलवाती हूँ। तो ये लीजिए, ये हैं भैया, और ये अपना नाम भी बताएंगे, अपना परिचय भी बताएंगे, और कहाँ से हैं, क्या करते हैं, बोलो। हाँ जी भैया, अपना नाम बता दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम है मनसाराम चौहान और मेरा एक YouTube चैनल है मनसाराम चौहान के नाम से। और आज मैं आपके समक्ष हूँ मधु ठाकुर जी, जो YouTube ब्लॉगर है, उनके साथ हूँ। और इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि एक कविता सुनाएं, और मैं आपके समक्ष एक हास्य कविता है वो अपनी सुनाने जा रहा हूँ, और आपको मेरी ये हास्य कविता अवश्य पसंद आएगी। पहले आज 2000 करिए तो जी आप पहले भी आपने कभी काम किया ऐसे YouTube के अलावा? जी 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 सबसे पहले मैंने 1996 में आकाशवाणी शिमला में बतौर कवि के रूप में काम किया था, और वहाँ पे मेरी फर्स्ट जो कविता है वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई थी। और उस टाइम डॉक्टर अशोक जरा, जो आकाशवाणी शिमला में डायरेक्टर निदेशक थे, तो जी वहाँ पे अपने कविता की शुरुआत की थी। और उसके बाद वर्ष 2003 में पुलिस मॉनिटर पत्रिका में काम किया था, और 2006 में मैंने जैन टेलीविजन में शिमला में एज ए स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंट काम किया था। और 2006 के बाद पत्रकारिता में ही अपना कार्य आगे जारी रखा, और साथ में मैंने एक दर्द भरी शायरी जो मेरी अमित पाकेट बुक्स जलंधर से छपी थी वो भी मैंने 2006 में छपाई थी। और उसके बाद मैंने अभी हास्य कॉमेडी है जो लिख रहा हूँ, कविताएं हैं मेरे पास 100-200 कविताएं वो लिख दी है, क्या तैयार हो बात है, चुकी है। बहुत अच्छे भाई जी। अच्छा, तो उनमें से आप अपनी कोई ऐसी कविता सुनाना चाहेंगे जिसमें एक संदेश भी हो, और वो हास्य, मतलब जी हमारे दर्शकों को हंसी भी आए जिसको सुन के, जी तो बिल्कुल कोई आपके दिमाग में कोई ऐसी कविता हो आपकी लिखी हुई अपनी? जी बिल्कुल जी, मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, और जो मेरी कविता है उसका शीर्षक है कवि और नेता। अच्छा तो ये मेरी छोटी सी कविता है जो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। दो महिलाओं में चल रही बातचीत के दौरान एक पड़ोसन बोली, बहन मैं तो हूं परेशान। दो महिलाओं में चल रही बातचीत के दौरान एक पड़ोसन बोली, बहन मैं तो हूं परेशान। बोली, मेरे पति कवि हैं। बोली, मेरे पति कवि हैं, हर समय कविता में चूर, जाते हैं घर से दूर दूर, मैं मजबूर दुख में चूर, अब तुम बताओ क्या मेरा कसूर। सुबह से शाम बजाते हैं आठ, सुबह से शाम बजाते हैं आठ, मिल जाते कभी राह में तो उनके वही ठाट। आंखें बंद हाथ में डायरी, आंखें बंद हाथ में डायरी, और मुंह में बोलने की बीमारी, इस बड़बड़ाहट को चुप कराते मैं हारी। बहन पता नहीं मेरे और उनके भाग्य का क्या लिखा है, बहन पता नहीं मेरे और उनके भाग्य का क्या लिखा है, रास्ते में मिलने पर कहते, बहन जी नमस्ते, आपको क्या लिखी देखा है। वेरी गुड, बहुत इसी अच्छे। बात पर दूसरी बोली, तो इसी बात पर दूसरी बोली, बहन अब तुम तो फिर भी ठीक हो, यहाँ तो पति नेता है, हर रोज मेरा वो उनका भाषण होता है, कभी कोई उद्घाटन कभी कोई भाषण, कभी कोई उद्घाटन कभी कोई भाषण, घर में नमक चावल नहीं कहते, हम सबको देंगे राशन। उद्घाटन करते करते फीता काटते करते, उद्घाटन करते करते फीता काटते काटते, हो गए हैं इतने आदि, साड़ी के बदले हमको पहनाते अक्सर खादी। और कहीं से अगर शॉल कम्बल मिलते हैं, कहीं से अगर शॉल कम्बल मिलते हैं, तो
तो कहते ठंड के लिए सब चलते हैं, रात को सपनों में बड़बड़ाते रहते हैं, हम काम करते हैं करते रहेंगे, जब मैं कहती हूँ चुप रहो कहते हैं हम चुप नहीं रहेंगे। भाषण उद्घाटन के अलावा उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, भाषण उद्घाटन के अलावा उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, एक जुराब नीली एक सफेद, नेता होने के नाते कोई कुछ नहीं कहता। क्या पर बहन क्या बताऊं, पर बहन क्या बताऊं, कभी कभी तो बड़ी अजीब बात करते हैं, पर बहन क्या बताऊं, कभी कभी तो बड़ी अजीब बात करते हैं, रात को स्वप्न में उठकर मेरी चोटी का रिबन कैंची से काट देते हैं। तो ये मेरी छोटी क्या बात है भाई जी, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे ये आपका टैलेंट, और मानते हैं हम इस बात को, एक एक वर्ड लिखना सोच के बहुत मुश्किल काम है। और आप बोल रहे हैं कि आपने 100-200 कविताएं लिखी है। जी मैंने तकरीबन 200 कविताएं जो तैयार की है, हास्य कविताएं हैं, जैसे जेब कतरों से सावधान, पद की दौड़ में आजमाइश, दहेज का दहेज की और टीवी, इसी तरह की मैंने जो अपनी काल्पनिक कविता है वो इसमें पुरोया है, और तरह तरह की हास्य कविता मैंने बनाई है। अच्छा, तो आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे उनको दर्शाने की कोशिश नहीं की, जैसे आज के टाइम में सोशल मीडिया पे आपको पता ही है कि कुछ भी ले लो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं पे भी। मैंने अभी थोड़ी बहुत कविताएं अपने यूट्यूब चैनल में। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल भी है। मेरा एक यूट्यूब चैनल है मनसाराम चौहान के नाम से, तो उसमें मैंने थोड़ी बहुत कविताएं डाली है, वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि भी आगे भी। तो आप उस पे भाई जी कंटिन्यू रखिए काम, और भगवान करे आपको सफलता मिले, और ऐसे ऐसा ही टैलेंट है जो दुनिया को चाहिए, और मैं भगवान से दुआ करूंगी आपको जरूर सफलता मिले। और अपने चैनल का लिंक आप मुझे दे दीजिएगा, मैं गुजारिश करूंगी अपने जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं कि जाइएगा और देखिएगा। मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे उम्मीद है कि इनको भी अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतना कीमती समय मुझे दिया और मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, और आगे भविष्य में भी अच्छी कविता बनाऊंगा। हाँ जी भाई जी, कोई मैं तो मुझे तो आप जरूर ही भेजना अपनी कविताएं, मैं मुझे तो बहुत अच्छी लगी जी। और ये तो इत्तेफाक से मिल गए हम, अदरवाइज मैं गाय देखने ना आती तो आप मुझे कहाँ मिलते। तो ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद जी। तो चलिए अब आपको गाय दिखा देते हैं, चाय पानी हो गई थी, बैठे थे हम, तो ये है गाय। पिछली वीडियो में भी आपने बोला था कि कोई गाय नहीं दिखाई, तो सबसे ज़्यादा मुझे इनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। ये दीदी हैं, इनके घर में हम गए थे, तो देखो घर की पाली हुई गाय है, बहुत ही अच्छी गाय है, और इनका जो अरेंजमेंट है ना पशुओं को बांधने का, अंदर बाहर मैट बिछे हैं सारे, और देखो गोबर उठाने का, मैं भी ऐसा ही करूँगी, मैंने इनसे ये चीज़ सीखी कि मुझे क्या क्या करना है। तो ये देखिए, ये इसकी बच्ची है आगे, ये इसकी माँ है साइड में, बीच में ये, और ये दीदी हैं। दीदी का स्वभाव इतना अच्छा लगा मुझे, ऐसा लगा जैसे मेरी मेरी बहन है, मतलब मेरे कोई बहन नहीं है वैसे, मेरे YouTube पे बहुत सारे भाई बहन हैं, पर ये दीदी मुझे सच्ची पर्सनली मैं बोल रही हूँ आपको, इतना अच्छा नेचर है ना इनका, इतना अच्छा इनका स्वभाव है, खाना भी खिलाया इन्होंने हमें, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो ये देखिए, ये मेरे पति, ये हम दोनों आए थे, तो हमने चप्पलें इनकी पहन ली थी यहाँ पे आने को, तो इन्हें अभी बाहर टोका दिखाती हूँ मैं इनका आपको, बहुत अच्छा टोका, 6 महीने की बच्ची है जो इसकी, ये लाल साथ में ना, तो ये देखिए टोका है, और इस तरह से ये घास देते हैं, पशुओं की बहुत अच्छी केयर करते हैं। इनका मैंने एक और वीडियो बनाया है, इनके घर में आप फ्लावर देखेंगे ना आप हैरान हो जाओगे, जिसको मैं कल बताऊंगी आपको इसी चैनल पे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए आज मैं इसको छोटा कर रही हूँ, तो 2 पार्ट में आएगी ये। और यहाँ पे हम आए अभी, यहाँ पे साथ में ही है घर, तो हमारे गांव के साथ में ही है, तो इन्होंने भी गाय देनी थी, फिर मैंने सोचा कि चलो देख के आते हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और काफ़ी कुछ अलग जगह का देखने को मिल जाएगा। नहीं तो एक तो उनके पशुओं को बांधने का ना सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पे, ये देखो बस ऐसा है मेरा भी एक प्लानिंग ऐसी, चारों तरफ से बंद, ये देखो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बहुत अच्छा। और ये देखिए, ये पशु बाहर बांधते हैं, इन्होंने चारों तरफ से जाली टाइप लगाई हुई है, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, तो गाय का भी सोचेंगे कि लेनी है कि नहीं, बट ऐसे इनके साथ बहुत अच्छे, मतलब एक पारिवारिक जैसे संबंध लगे, होता है ना ऐसा कि पता नहीं यहाँ कौन से जन्म का रिश्ता हो। और ये है यहाँ पे इनका गोबर गैस प्लांट भी, इनका भी दिखाती हूँ मैं,
यहाँ पे जो ये खाद, यहाँ से गोबर निकल के ये आगे गोबर गैस प्लांट है, तो ये देखिए वहां से गोबर निकल के यहाँ पे आता है। और ये अभी मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ आपको, जो उनके प्लांट्स हैं, फ्लावर हैं, तो बहुत अच्छे। ये कौन सा है मुझे भी नहीं पता, आप लोग बताना। और ये देखो एक और है नीचे, पता नहीं कौन सा है, मैं भी नहीं जानती। तो बाकी दूसरे पार्ट में आप देखेंगे इनके घर में कौन कौन से फ्लावर एंड प्लांट्स लगे हैं। तो ये है इनका गोबर गैस प्लांट यहाँ पे। तो ये देखिए दूसरी बार आए थे हम, पहले मैं और दीदी आए थे, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं भी देखूंगा गाय। वो ऊपर ही बैठे थे उन भाइयों के साथ में। तो फिर ये देखिए, फिर दूसरी बार जब वो आए तो ये उतने को फिर से इन्होंने गोबर कर दिया था। तो देखो बिल्कुल भी नीचे गोबर नहीं रहने देते, कितनी साफ सफाई करते हैं ये। और ये है हमारे गांव की महिलाएं जो हर क्षेत्र में आगे हैं, परिवार भी संभालना, पशु भी संभालने, खेत भी संभालने, मतलब कितनी जिम्मेवारियां होती है ना एक औरत के ऊपर। और ये गाय कैसी लगी मुझे तो बहुत अच्छी, 4 साल की ये बच्ची है। कोई लेना चाहता होगा तो मुझे संपर्क करें, और क्योंकि इनके पास ना बहुत पशु हैं और दीदी के ऊपर बहुत बर्डन है काम का, पूरा परिवार है वैसे तो साथ में। ये देखो गाय, इसको जो है 2 महीने की प्रेग्नेंट है और 13-14 लीटर दूध अभी भी दे रही है। 4 साल की ये बच्ची है और मतलब भारी भरकम शरीर है इसका, बहुत अच्छा। और ऐसा नहीं है कि कमजोर है या कुछ भी, बहुत अच्छी है। देखो आप देख सकते हैं सामने है। तो बस यही था छोटा सा, और कल मैं आपको फिर से दिखाऊंगी इनका वीडियो जो जिसमें फ्लावर वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये मैट बिछाए इन्होंने, बाहर भी मैट है अंदर भी मैट है, ये खुरली है पशुओं की। तो ये देखिए अभी ये होता है गोबर गैस प्लांट। इसमें गैस हमारे को फ्री में मिल जाती है, गोबर बाद में खाद के काम आ जाता है, और उसके उपले भी बना सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट है। और ये इनका घर है, ये इनका घर है। और यहाँ पे देखो उन्होंने काफी सारी मिर्चें लगाई हुई है। और ये दीदी गोबर फेंकने जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ चल पड़ी। और ये एक साथ में खेत है, और ये खीरे लगे हैं यहाँ पे इनके। ये देखो कितने अच्छे खीरे हैं, ये देखो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है सारी चीजें। तो कितना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, है ना। तो ये मुझे खीरे बताते जा रहे थे कि देखो यहाँ पे भी है, और मुझे भी दिया इन्होंने खीरा भी दिया और कुछ प्लांट्स भी दिए। मतलब जो अभी मैंने बोला कि अभी मेरे जगह नहीं है लगाने को, थोड़ा सा फिर कौशल के पास हो जाएगा। तो हर तरह के फ्लावर और प्लांट्स इनके घर में, ये यहाँ पे इन्होंने फेंका गोबर। ये बहुत सा घर के साथ ही है, हरा घास है पशुओं के लिए, मक्की काट दी है। और ये देखिए अभी खेत खाली है। और ये आंवड़े, आंवड़े का पेड़ है ये, देखो छोटे छोटे लगे हैं ना अभी। तो हमारे और इनके देखो कितना फर्क है, मतलब वैसे तो दूर है, घर नजदीक भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ही साइड में है। तो हमारे जैसे ठंडा मौसम है वहां पे, और इनके थोड़ा सा गर्म एरिया पड़ जाता है, तो यहाँ पे हर चीज मिलेगी आपको जैसी मेरी मायके में मिलती है। तो वैसा ही मुझे अनुभव हो रहा था इनके घर में जाके, जैसे मैं अपनी माँ के घर में जाती हूँ। ये देखिए ये आंवले का पेड़ है। तो बाकी का वीडियो कल बताऊंगी मैं आपको, अभी हम घर आएंगे। और अभी हम आ गए हैं वहाँ से, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वो, सच्ची में बहुत ज़्यादा। मतलब हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, हम ऐसे गए थे ना गाय देखने, तो बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगा मुझे। पता कैसा अपनापन लगा, जैसे मैं अपनी मम्मी के घर में जाती हूँ ना, अपने मायके में, कसम खा के बोल रही हूँ, वैसा अपनापन वहाँ पे लगा मुझे, पहली बार किसी के घर में। तो वो दीदी बहुत अच्छे हैं, और मैं क्या बोलूं, सच्ची में क्या बोलूं, मैंने उनके सामने नहीं बोला। फिर मैं आगे, जैसे आगे तो हम यहाँ पे रुके हैं, वो कुछ सामान ले रहे हैं दुकान में, तो ये हमारे को उन्होंने देखो ये भी दिया, बहुत सारे फ्लावर। देखे आपने कितने सारे फ्लावर उनके घर में, ये देखो बहुत सारे, मतलब उनको बहुत प्यार है फूलों से। और ये हमारे को ये दिया उन्होंने, तो वीडियो के माध्यम से थैंक यू सो मच, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और सच्ची में पर्सनली मुझे दीदी बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे लगे, सच्ची बात बोल रही हूँ मैं। और तो ठीक है, अभी मैं वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ, घर जा रहे हैं, फिर आगे का जो मैं फिर बताऊँगी। और जय माता दी, खुश रहिएगा और भगवान आपको बहुत सारी खुशियाँ दे।